दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नीतीश। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कारकों की, कारक प्रकरण की। रीट के एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, लेकिन मैंने बताया आपको कि कारक के साथ साथ विभक्तियां भी मैं चला रहा हूं ताकि आप अशुद्धियां भी पकड़ सके और जब आपको ट्रांसलेशन की जरूरत पड़े तो वहां ही आपको बहुत काम आएंगे। आज हम बात करेंगे कारकों में प्रथमा विभक्ति की, यानी कि कर्ता कारक की। ठीक है, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति जुड़ा हुआ है और इसके छोटा सा एक कारक है, लिंग परिमाण वचन जहां विभक्ति आती है ये कारक आता है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, साथ ही एक चीज और बताऊंगा कि इस कारक को आप कैसे अशुद्धियां संशोधन करने में यूज करें। दूसरी चीज ये बताऊंगा कि इससे संबंधित सवाल कौन से आते हैं, क्योंकि प्रथमा विभक्ति है बहुत छोटी लेकिन सबसे ज्यादा जगह काम आने वाली है। तो चलिए मेरे साथ व्हाइट बोर्ड की तरफ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, इस वीडियो में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अगर आपको लिखित में पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो आप अगर डेस्कटॉप पर वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे जाइए और शो मोर के बटन पर क्लिक कीजिए, हमारा डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा और देखिए ये लिंक जो है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस वीडियो में जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको लिखित में आपको मिल जाएगा और पीडीएफ में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जितनी भी टेबल मैंने बनाई है जो संस्कृत की शॉर्ट ट्रिक्स है जिन्हें आप परीक्षा में जाने से पहले याद कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, उन टेबल को यहां से सारी टेबल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो मोबाइल पर देख रहे हैं तो आप जो इसका टाइटल लिखा हुआ है वीडियो का, इस पर क्लिक करें, इस तरह से हमारा डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा और देखिए यहां पर भी आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। तो अब आपको कॉपी पेन लेकर लिखने की झंझट खत्म। दोस्तों देख रहे हैं कारक, कारकों में आज हम बात करेंगे प्रथमा विभक्ति की। ठीक है ना, प्रथम कारक यानी प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक के साथ हम चल रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया था कर्ता कारक होता है उसमें प्रथम विभक्ति ही होती है। कहां कहां होती है इसका पहला सूत्र हम देखेंगे, प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। यानी कहां कहां होती है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, है ना, लिंग मात्र के अधिक्य में, है ना, संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति स्यात् यानी होती है। अब इन शब्दों का अर्थ समझना जरूरी है, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ नहीं समझा तो ये पता ही नहीं लगेगा कि ये प्रथमा विभक्ति है तो क्यों है, या हैविक नहीं है, या का कारण क्या है। ये शब्दों का अर्थ इसलिए समझना जरूरी है। प्रातिपदिकार्थ मात्र, इसका अर्थ है कि जिसकी सत्ता सुनिश्चित हो, है ना, या जिसका सत्ता से मतलब है इसका कि जहां जिसका लिंग सुनिश्चित होना चाहिए, भाई ये जो है किस लिंग में है, है ना, इसको हम नियत लिंग या अलिंग से भी समझ सकते हैं। नियत लिंग क्या होता है, जिसका लिंग निर्धारित होता है, जैसे श्री, सबको पता है श्री, है ना, स्त्रीलिंग ज्ञानम नपुंसकलिंग, यहां लिंग निर्धारित हो रहा है। अलिंग, अलिंग होता है वे जिनका कोई लिंग नहीं होता, यानी कि समान रहते हैं, उनको हम दूसरे रूप में जानते हैं, उनको हम कहेंगे अव्यव, है ना, अव्यव जानते हैं ना, वो तीनों लिंगों में समान रहते हैं। क्या रहते हैं, तीनों लिंगों में समान रहते हैं, जैसे उच्चई निच्चई और भी कोई शब्द आप ले सकते हो। ठीक, अब इसमें दूसरी चीज है लिंग मात्र अधिक्य, जहां इसका मतलब क्या होता है, जहां लिंग सुनिश्चित नहीं होता, है ना, जहां लिंग सुनिश्चित नहीं होता उसको लिंग मात्र कहते हैं। जैसे अपने उदाहरण के रूप में लेते हैं चीज तट, है ना, एक शब्द लिया अपन ने तट। अब तट का क्या है कि इसके तीनों लिंगों में जो है रूप संभव है, है ना, तट के रूप तीनों लिंगों में चलेंगे और तीनों लिंगों में जिसके रूप संभव होते हैं वो लिंग मात्र कहलाता है। अब ये चीज समझिए आपने, प्रातिपदिकार्थ मात्र और लिंग मात्र। प्रातिपदिकार्थ मात्र क्या होता है, जिसकी सत्ता सुनिश्चित हो या जिसका लिंग सुनिश्चित हो, इसको नियत लिंग से भी कह सकते हैं अपन, जैसे पता लग रहा है अपने को श्री, है ना, या सखी, या कोई भी शब्द इस तरह का ले लो आप, तो वो नियत लिंग है, ज्ञानम नपुंसक लिंग में है। ठीक है, है ना, अलिंग जो अव्यव होते हैं ना वो अलिंग कहलाते हैं, कोई भी अव्यव हो सकता है। ठीक, लिंग मात्र जहां लिंग सुनिश्चित नहीं होता, यानी कि अब तट है या कोई भी शब्द हो सकता है, इसके रूप तीनों लिंगों में चल सकते हैं, तो यह लिंग सुनिश्चित नहीं है ना भाई, तट का मतलब तट स्त्रीलिंग के लिए है, तट पुल्लिंग के लिए है, तट नपुंसक के लिए है, यानी तीनों लिंगों में जिसके रूप चल सकते हैं वो लिंग मात्र
कहलाता है। ठीक, अब तीसरी चीज है ना संख्या मात्र। ठीक, संख्या मात्र यानी संख्या जहां होगी वहां भी प्रथम विभक्ति होगी। मैं आपको बता रहा हूं कर्ता कारक विभक्तियां, प्रातिपदिकार्थ मात्र बताया मैंने आपको, लिंग मात्र बताया, अब मैं आपको बता रहा हूं संख्या मात्र है ना, संख्या या हाँ इसमें लिंग मात्र बताया अभी, ये एक अधिक क्या हो है ना, यानी कि परिमाण मात्र। परिमाण, परिमाण क्या होता है, परिणाम नहीं परिमाण, परिमाण मतलब होता है माप एक तरह से, अभी माप कैसी भी हो सकती है ना, माप कैसी भी हो सकती है, किलो दो किलो इस तरह की जो भी चीज होती है ना, आप किसी भी चीज को मापते हैं वो पैमाना एक अलग है परिमाण मात्र। तो वहां भी क्या होता है प्रथम विभक्ति ही होती है। कैसे, जैसे द्रोणों, ये उदाहरण बहुत अक्सर देखा जाता है द्रोणों है ना, द्रोणों का अपने को पता होना चाहिए। दूसरा व्रीही, ठीक है ना, द्रोणों व्रीही, अब ये दोनों चीजें हैं है ना, ब्रीद मतलब अन्न होता है, अनाज होता है, चावल वगैरह जो भी है अनाज होता है। द्रोण मतलब कितना, इसके एक मात्रा है ना, कितनी है, एक बाल्टी की जितना, एक बाल्टी भर। चावल कितना है यहाँ, एक बाल्टी भर है ना, तो ये इसलिए क्या है परिमाण है, क्योंकि ये चावल की मात्रा को निर्धारित कर रहा है, इसलिए ये परिमाण है। और जब परिमाण होता है वहां प्रथमा विभक्ति ही होती है। ठीक, अब वचन मात्र है ना, प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, अधिक्य, संख्या मात्र, प्रथमा से आदि में प्रथम विभक्ति होती है। किन किन चीजों में होती है, लिंग में, परिमाण में, वचन में, इनमें प्रथम विभक्ति होती है। देखो यहां लिख दूं, एक तो लिंग मात्र में है ना, परिमाण में, दो चीज मैं आपको बता चुका हूं, तीसरी वचन मात्र में है ना, लिंग परिमाण और वचन इन तीनों में प्रथम विभक्ति होती है। लिंग मैंने आपको बता दिया, परिमाण मैंने आपको बता दिया, यानी कि ये हो गया, और तीसरा वचन, वचन मैं आपको बता रहा हूँ, वचन में भी प्रथम विभक्ति होगी। कैसे, संख्यावाचक शब्दों में प्रथम विभक्ति होती है, वचन से मतलब है संख्यावाचक, ये रहा है ना संख्यावाचक, ये सूत्र के है द्वारा है और ये सीधा है। सूत्र भी ये कहता है कि लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथम विभक्ति होती है, और ये डायरेक्ट भी ये कहता है लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथम विभक्ति होती है, तो संख्यावाचक जो शब्द होंगे इनमें प्रथमा विभक्ति होगी है ना, संख्यावाचक में प्रथमा विभक्ति होगी। कैसे होगी, एक चीज देख लो आप, जैसे कोई संख्या ले लो आप, एक है, ठीक, प्रथमा विभक्ति होगी। दो कैसे लिखोगे, दो है ना, तो दो, दो का बहुवचन होता ही नहीं है, ठीक, क्योंकि तो द्विवचन तक ही सीमित है, दो ऑलरेडी संख्यावाचक हो गया ना, तो दो, ठीक। और तीन का ले लो आप, त्रय है, तो इस तरह से संख्यावाचक जो शब्द हैं उनमें भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। तो ये तीनों चीजें याद रखो, लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति लिंग परिमाण वचन में तो होती है, साथ साथ संबोधन में भी होती है। संबोधन क्या होता है, जब अपन किसी के सामने खड़ा होकर के बात करते हैं ना, वही संबोधन होता है, ठीक है ना। कैसे, इसको बताएंगे अपन, अभिमुखीकृत संबोधनम है ना, अभिमुखीकृत बोधनम संबोधनम। अच्छा, एक चीज यहाँ एक सवाल आता है कि संबुद्धि क्या है ना, संबोधन में क्या होता है, जो एक वचन का रूप होता है ना उसको संबुद्धि कहते हैं। तो एक वचनम संबुद्धि, जो एक वचन का रूप है वो संबुद्धि है। संबोधन में प्रथम विभक्ति होती है, सीधी सी बात है, उसमें जो एक वचन का रूप है वो संबुद्धि कहलाता है। ये सवाल सीधा ही आएगा, इसलिए इसमें समझने वाली ज्यादा बात नहीं है, रटने वाली बात है कि संबुद्धि क्या होता है, एक वचन का जो रूप है वही संबुद्धि कहलाता है। संस्कृत में कहेंगे एक वचनम संबुद्धि। अब मैंने आपको बताया था, जो पहला वीडियो आप देखना, इस मतलब एक वीडियो बता चुका हूं मैं, कि उक्त कर्म और उक्त कर्ता इन दोनों में भी प्रथमा विभक्ति ही होती है, ठीक है ना। अब उदाहरण देखेंगे अपन, जैसे उक्त कर्ता वाला है ना, या कर्तृवाच्य, जहां कर्ता उक्त होता है वो कर्तृवाच्य कहलाता है। जहां मैंने बताया कर्ता उक्त होगा ना वो कर्तृवाच्य कहलाएगा, और जहां कर्म उक्त होगा वहां कर्मवाच्य कहलाएगा, है ना। तो भावेश अपन देखेंगे उदाहरण, भावेश है ग्रंथम पठति, देखो इसमें ग्रंथ तो पढ़ा जा रहा है, लेकिन कौन पढ़ रहा है, भावेश खुद पढ़ रहा है ना, ग्रंथ तो पढ़ा जा रहा है लेकिन पढ़ने वाला यहाँ भावेश है, तो यहाँ कर्ता के लिए तो कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कर्तृवाच्य का उदाहरण कहलाएगा, ठीक। अब उदाहरण जहां कर्म कहा जाता है ना, जहां कर्म के बारे में बताया जाए वो कर्मवाच्य कहलाएगा। उदाहरण देखो,
रामेण ग्रंथम पठ्यते, ठीक है ना, रामेण ग्रंथ है पठ्यते, सॉरी उदाहरण है रामेण ग्रंथ है पठ्यते। अब इसमें एक चीज देखो आप कि राम यहां दे तो रखा है इसने कर्ता, ठीक नाम यहां दे तो रखा है इसने, लेकिन ये कह रहा है कि ग्रंथ को पढ़ा रहा है, पढ़ नहीं रहा, यानी कि इसका असर जो है वो किस पे पड़ रहा है, जो पढ़ रहा है, ये तो पढ़ाने वाला है, जो पढ़ रहा है उस पर इसका असर पड़ रहा है। तो यहां कर्मवाच्य कौन है, यहां मेन चीज क्या हुई, पढ़ाई है ये चीज, यानी कि जो कर्म है उसका वो मुख्य हो गया, यहां कर्ता मुख्य हो गया लेकिन यहां कर्म मुख्य हो गया। तो जब कर्म मुख्य हो गया तो वो कर्म उक्त हो जाता है, जो चीज जहां मुख्य होती है वो वहां उक्त होती है, यहां कर्ता जो करने वाला करता था तो सब कुछ यही है, राम ग्रंथम पठती, ठीक है राम ये सॉरी भावेश ग्रंथम पठती, अब भावेश प्रमुख है यहाँ, अब भावेश चाहे तो ग्रंथ पढ़े, भावेश चाहे तो खाना खाए, भावेश चाहे तो खेल खेले, भावेश चाहे तो नहाए धोए, भावेश कुछ भी करे, यानी कि सब कुछ डिपेंड किस पे है, भावेश पे है, तो भावेश कर्ता हो गया, इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य हो गया। अब ये कर्म इस पे प्रमुख है, ये बात यहाँ आ रही है कि ग्रंथ को पढ़ाया जा रहा है साहब। अब ग्रंथ को चाहे तो राम पढ़ाए, चाहे सीता पढ़ाए, चाहे गीता पढ़ाए, चाहे कोई भी पढ़ाए, कुल मिला के ग्रंथ पढ़ाना है, तो यह पढ़ाना महत्वपूर्ण है, इसलिए कर्म पे जोर दिया गया है, इसलिए ये कर्म वाच्य है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, जहां तक मैं समझता हूँ आ गई होगी, और नहीं आई तो भी फिर मैं अलग से वीडियो बना करके इसको समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो प्रथम विभक्ति यहाँ आपकी कंप्लीट होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आप जितने ज्यादा कमेंट करेंगे और जो भी कमेंट में लिखेंगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि आपकी डिमांड क्या है, और मैं उस पर नई नई वीडियोज आपको बना करके डाल सकूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों इसमें एक बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, क्योंकि उससे जो भी नई वीडियो मैं बनाऊंगा वो आप तक बहुत जल्दी पहुंचेगी। तो दोस्तों ऐसे किसी वीडियो के साथ मैं बहुत ही जल्दी हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।